रामदेव जी स्वागत है आपका। रामदेव जी प्रणाम भैया। रामदेव जी मुबारकबाद दे दें आपको, आपकी सरकार कही जाए जी। देखिए ये देश की सरकार है, ये 125 करोड़ भारतवासियों की सरकार है, और जिन्होंने कांग्रेस को वोट दिया है ये उनकी भी सरकार है। मोदी जी उनके लिए भी अच्छा करेंगे, और जिन्होंने गठबंधन को वोट दिया है मोदी जी उनके लिए भी आगे विकास के काम करेंगे। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अब ये ओछी राजनीति से निकल करके, जात पात की राजनीति से निकल करके भारत विकास की राजनीति की ओर आगे बढ़ रहा है। और मैंने प्रारंभ में ही कहा था, जिनकी नीयत ठीक है, जिनकी नीतियाँ ठीक हैं, जिनका नेतृत्व और चरित्र ठीक है, उसके ऊपर लोगों ने विश्वास किया है। मैं किसी पर कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, लेकिन यह सच है कि उम्मीदवार अलग अलग थे, उनकी भी हैसियत है, इसीलिए तो उनको उम्मीदवार बनाया बीजेपी ने, एनडीए ने। लेकिन एक व्यक्ति के ऊपर विश्वास कितना प्रबल होता है, और भारत इसलिए भरोसे पर चलना वाला देश है। मोदी जी के लिए ज्यादातर लोगों ने वोट किया है, कोई गिला शिकवा भी था लोगों का उसको भुला करके, और इसको अब स्वीकार कर लेना चाहिए। माना कि अब ये रुझान है और ये परिणाम में परिवर्तित भी होंगे, और जो प्रत्याशित है कांग्रेस के लिए, खास करके राहुल जी के लिए अमेठी से, और ठीक किया उन्होंने दक्षिण में जाकर के शायद अपना राजनीतिक वजूद उन्होंने बचा लिया। लेकिन मैं किसी पर राजनीतिक टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लोकतंत्र में जनता भगवान होती है, और उन्होंने जो बहुमत दिया है एनडीए को, अब ये साफ है, इसमें कोई थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है। तो यह मात्र 5 वर्षों का चुनाव नहीं है। देखिए पिछला जो चुनाव था, फिर हमारे कुछ राजनीतिक दलों के लोगों को इस समय वैसे ही कष्ट हो रहा है, इस समय उनको ज़्यादा में कुछ कह करके उनका ब्लड प्रेशर, शुगर, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी, डिप्रेशन नहीं बढ़ाना चाहता। लेकिन उस समय भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा शून्य पैदा हो गया था, एक अविश्वास पैदा हो गया था, घोटाले, भ्रष्टाचार, चारों तरफ राजनीति के, माने एक तरह से उसको कहते हैं कि राजनीतिक का एक संकट काल था भारत के लिए। उस दौर में लोग उन राजनीतिक दलों से नफरत करने लग गए थे, तो वो एक तरह से लोग खफा थे सत्तासीन दलों से, और राजनीतिक अराजकता एक तरह से देश में छाई हुई थी। इस समय जो चुनाव है वो नफरत के आधार पर नहीं लड़ा गया, इसमें मूल मुद्दा था विकास का। और इसलिए मैं कह रहा हूं आने वाले किशोर भाई, ये 5 वर्षों के लिए नहीं, आने वाले भारत के 25 वर्षों के लिए चुनाव है, इसलिए अब राजनीतिक दलों को 20-25 वर्षों के बाद की तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब ये आने वाले 10-15 वर्ष तक मोदी जी, अमित जी, गडकरी जी, जिस तरह से बीजेपी का नेतृत्व उभरा और उन्होंने देश को डिलीवर करके दिया, परफॉर्मेंस दी है। पहली बात तो ये है कि अखिलेश जी और मायावती जी जितने भी जीतेंगे वो गेन करेंगे, उन्होंने कोशिश पूरी की, और आप देखना चाहे वोट परसेंटेज हो या उनके हारने के फासले हों, कुछ सीटों पर बहुत कम होंगे, उसके बावजूद भी वहाँ पर मोदी जी के प्रति लोगों का विश्वास, अमित शाह जी की जो पूरी रणनीति, इन दोनों ने मिलकर के महागठबंधन के इरादों को भी ध्वस्त किया है। तो राजनीति में रणनीति, दूसरा भरोसा, और उसके बाद में देखो सबसे बड़ी चीज़ तो इस बार का जो चुनाव था, मैंने कहा ना वो राजनीति से ऊपर उठ करके और राष्ट्रवाद के ऊपर, विकास के ऊपर, ईमानदारी के ऊपर, और भारत को 2050 तक विश्व की महाशक्ति, भारत को सुपर पावर बनाने का जो करोड़ों भारतीयों का सपना, उसके लिए लोगों ने वोट किया है। इसलिए मैंने कहा 5 वर्षों का नहीं, भारत के 20-25 वर्षों के लिए एक मैंडेट है, तो इसको बहुत गंभीरता से हमें विश्लेषण करना पड़ेगा। ताकत जोर आजमाइश तो सभी ने किया ही अपने अपने ढंग से 2050 तक, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कुछ नहीं बदलने वाला, लेकिन आने वाले 10-15 वर्ष तक अब विपक्षी दलों को अनुलोम विलोम ज़्यादा करना चाहिए, जिससे कि अपने कम से कम अपने हेल्थ को ठीक से मेंटेन कर सकें। मैं तो सबका शुभ चिंतक हूँ, इसलिए कह रहा हूँ परेशान मत होइए और योगाभ्यास कीजिए। राजयोग अभी मोदी जी और अमित शाह जी, गडकरी जी, जेटली जी, इनके पक्ष में है। मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, लेकिन
योगी हो, राजयोगी तो हो, शीर्षासन के बाद फिर अनुलोम विलोम करने से ही जो है उनका ब्लड प्रेशर, शुगर, एनाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म, मेटाबोलिज्म, उनका स्ट्रेस लेवल, वो सारा का सारा बॉडी का सिस्टम ठीक रहेगा। अपनी सेहत भी तो जरूरी है, देह भी जरूरी है। देह अच्छा रहेगा तो देश के लिए आगे कम से कम एक लोकतंत्र में सशक्त विपक्ष होना भी जरूरी है। इसलिए जो पराजित हो रहे हैं उनको गीता का उपदेश याद करना चाहिए, सुख दुखे समी कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ। मुझे इस समय आवश्यकता महसूस ही नहीं हुई, मुझे दिख रहा था, आपने सुना होगा, मैंने चुनाव के दरमियान 8-10 बार बड़े स्टेटमेंट दिए थे कि राजनीति में मोदी जी का जो व्यक्तित्व है वो हिमालय जैसा है और विपक्ष के नेता उनके सामने बहुत बोने लगते हैं। और मैंने कहा कि मैं कभी भी, आपने देखा होगा, मैं तंत्र मंत्र ज्योतिष झाड़ फूक भूत प्रेत कभी किसी भी प्रकार के ढोंग आडम्बर पाखंड में अंधविश्वास में भरोसा नहीं रखता, लेकिन मैंने राजनीतिक रूप से कहा था कि मोदी जी 100% जीतेंगे, इसलिए मैं आश्वस्त था। तो मेरे लिए आपद धर्म है राष्ट्र धर्म राजनीति, मेरे लिए मुख्य धर्म है योग धर्म, अध्यात्म धर्म, सेवा धर्म, और वहाँ अब और ज़्यादा इस देश में फलेगा फूलेगा। और जो हमारे वामपंथी भाई हैं और जो हर समय देश को कोसते रहते हैं, देश की सनातन संस्कृति को कोसते रहते हैं, चुनाव के दरमियान हमें सीताराम येचुरी के ऊपर केस तक दर्ज कराना पड़ा है कि आप करोड़ों वर्षों पुरानी सनातन संस्कृति को हिंसक, क्रूर, जाहिल कैसे कह सकते हैं। तो अब भारत के गरीबों के साथ, मध्यम वर्ग के साथ, राजनीतिक आर्थिक अच्छे दिनों के साथ इस देश में धार्मिक तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर भी अच्छे दिन आने वाले हैं। देखिए, मैं केजरीवाल जी सहित, राहुल जी सहित, जो भी विपक्ष के लोग हार रहे हैं, देखो जो हारे हुए लोग हैं उनको और ज़्यादा नहीं सताना चाहिए। बस मैं इतना ही कहूँगा, भारतीय राजनीति को मुद्दों पर लौटने दीजिए। कब तक हम जात पात की राजनीति करते रहेंगे, कब तक हम लोकतंत्र में ओछी बातें करते रहेंगे। हम लोगों को अब मुद्दों की बात करनी चाहिए। और मुझे लगता है आने वाले चुनाव से ठीक करीब 15-20 दिन पहले मैं जेटली साहब से मिला था, उन्होंने बहुत बड़ी बात कही थी कि भारतीय राजनीति अब ये BPL से, अब ये मनरेगा से, और आरक्षण से, और ये जो माने हम छोटी छोटी चीज़ों में उलझे हुए हैं, इससे आगे धीरे धीरे निकलेगी, लोग सशक्त बनेंगे, और राष्ट्रीय मुद्दों पर माने देश की एग्रीकल्चर पॉलिसी, देश की हेल्थ की, एजुकेशन की पॉलिसी, इंडस्ट्री की पॉलिसी, देश अब चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर है या हम पूरी दुनिया का मुकाबला कैसे कर सकें, और डॉलर की कीमत, रुपए जो है, पाउंड की कीमत, वो अब समानांतर कैसे आकर के खड़ी हो, माने विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ हम कैसे मुकाबला करें। तो भारतीय राजनीति के बड़े मुद्दे ये होंगे। धीरे धीरे हमें गरीबों को सशक्त करना है, मैं अभी भी कह रहा हूँ, और BJP भी कोई आरक्षण की विरोधी पार्टी नहीं है। ये कोई आज सबसे ज़्यादा गरीबों का किसी ने भला किया तो मोदी सरकार ने किया है, लेकिन अभी गरीबी से भी ऊपर उठ करके देश अब दुनिया का मुकाबला कैसे करे, भारत चीन से, अमेरिका से, जापान से, ब्रिटेन से, इससे आगे कैसे निकले, इसके ऊपर अब राजनीति होगी। और इसी दिशा में हमारे विपक्षी नेताओं को भी सोचना होगा कि अब वो ओछी राजनीति करके लोगों को बहका नहीं सकते, और मुझे लगता है अब ये सबक सीखेंगे। स्वामी रामदेव, 348 NDA को आप जिधर खड़े थे वही सही साबित हो गया। मुझे पता था कि मोदी जी की नीयत, उनकी नीतियां, उनका नेतृत्व, उनका चरित्र, उस पर देश भरोसा करता है, और वो खुद आत्मविश्वास से भरे हुए थे, और जितना विरोधियों ने उनको का विरोध किया वो उतने और ज़्यादा सशक्त बनकर के उभरे। और अब जो मैंने कहा था पाटलिपुत्र में, आपने भी दिखाया था कि 5 वर्षों का चुनाव नहीं, ये आने वाले भारतीय राजनीति के 20-25 वर्षों की दिशा तय करने वाला चुनाव है। मोदी जी ने 5 वर्षों में जिन मुद्दों के आधार पर देश के विकास की नींव डाली, अब उस पर वो विकास का भवन खड़ा करेंगे, और भारत, भारत के लोग जो आज दबे कुचले गरीब, जो असहाय बेबस लाचार हैं, उनको उठाने से लेकर के भारत को इतना सशक्त बनाए कि भारत अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, रसिया, इनका मुकाबला कर पाए, उस दिशा में देश को लेकर के जाएंगे। उनके साथ है और कौन उनके खिलाफत कर रहे हैं, अंतर विरोध कर रहे हैं सिस्टम में, उनकी भी पहचान उन्होंने कर ली है। तो ये राजनीति का एक बहुत बड़ा मुकाम है जहां हम आज खड़े हैं।
ये मात्र 5 वर्षों की भारतीय की राजनीति का नहीं, आने वाले 20-25 वर्षों की भारतीय की राजनीति का निर्णय हुआ है 2019 के चुनाव में। देखो अंजना जी, आपने FMCG में ब्रांड देखे हैं, आपने ऑटोमोबाइल में, मोबाइल में ब्रांड देखे हैं, टीवी में भी आज तक सबसे तेज ब्रांड है अंजना, ओम कश्यप भी जो है फायर ब्रांड है हमारे मीडिया की, ऐसे राजनीति में भी एक सुपर ब्रांड हो सकता है, एक नेशनलिस्ट ब्रांड हो सकता है। और आप देखिए, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि जो चुनाव जीत रहे हैं उनका कोई चरित्र ही नहीं था, लेकिन सबके ऊपर मोदी भारी इसलिए थे कि लोग कह रहे थे भाई ये वोट तो हम मोदी को दे रहे हैं, लोगों के गिला शिकवा थे। मैं आज भी कह रहा हूँ हमारे बहुत से MPs हैं जिनसे लोग खफा थे, लेकिन उनका हमें देश की परवाह है, मोदी जी को जिताना है, देश को आगे बढ़ाना है। तो इसमें राजनीति में मोदी आज भारत के ज्ञात राजनीति के इतिहास के सबसे बड़े ब्रांड बने हैं, और उसके पीछे है उनकी 18-18 घंटे की मेहनत और देश के लिए बहुत कुछ करने का सपना, और मुझे लगता है ये सब साकार होगा। और विपक्षियों को भी यदि मोदी जी 18-18 घंटे काम कर रहे हैं तब इनको भी 8 घंटे से 12 घंटे के ओवर टाइम पर तो आना ही पड़ेगा, नहीं तो विपक्ष की भूमिका भी ठीक से निभा ना पाएंगे। साधु के लिए पूर्णकालिक राजनीति नहीं होती है, हमारे लिए राजनीति आपद धर्म है। पिछली बार जब इस देश में एक राजनीतिक अराजकता थी तब हमने खुले फ्रंट पर लड़ाई लड़ी, और जब हमने देखा कि हर समय सन्यासी को राजनीति में नहीं रहना चाहिए, इसलिए मैं अपने योग धर्म, अपने अध्यात्म धर्म और सेवा धर्म के साथ जितना जरूरी था उतना राज धर्म निभाया, और इस कोई हिसाब किताब लगा करके हमने जिंदगी में काम नहीं किया। हिसाब किताब लगाते तो उस समय जिस कांग्रेस पार्टी को लोग ये समझते थे कि ये तो 100 साल पुरानी पार्टी, इसकी जड़ें इतनी मजबूत हैं, जो इनके खिलाफ खड़ा होगा उसको तो ये ख़त्म कर देंगे, उसको दफन कर देंगे, तब उनके खिलाफ हम खड़े हुए थे। इसलिए ये कोई मौका परस्ती की बात नहीं है, हमने एक भरोसा मोदी जी पर किया, और जो हमारे पिछले 25-30 वर्षों का सामाजिक तप था वो इनकी झोली में डाला, क्योंकि देश के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए कोई वक्त देख करके खड़े नहीं हुए हैं। स्वामी रामदेव, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और कैसे देखते हैं आप इस ऐतिहासिक जीत को, 5 साल के बाद दोबारा वोट मिलना और ऐसा ऐतिहासिक मैंडेट? प्रथम तो रजत भाई, आपने मुझसे 2 महीने पहले कहा था कि स्वामी जी इस बार भी देश में मोदी की हवा ही नहीं सुनामी है, और वो हमने इस अब परिणाम में देखा है। और मैं सुन रहा था कि इंडिया TV पर जो आप चुनाव से पूर्व भी जो एग्जिट पोल दिखा रहे थे तो लोग कह रहे थे कि शायद मोदी जी के प्रति रजत जी की ज़्यादा ही सहानुभूति और प्रेम है, इस कारण से सीटें बता रहे हैं, लेकिन अब सब कुछ साफ हो चुका है और देश ने इंसाफ कर दिया है कि मोदी जी की नीयत, उनकी नीतियाँ, उनका नेतृत्व और चरित्र वो 125 करोड़ लोगों के लिए भलाई करने वाला है, और सबका साथ, सबका विकास, और एक सपना जो उन्होंने देशवासियों को दिया, अब उस सपने को पूरा करने के लिए मोदी जी पर ही देश भरोसा कर रहा है। FMCG में जैसे MNC ब्रांड को हमने टक्कर दी, स्वदेशी ब्रांड खड़ा किया, ऑटोमोबाइल में, मोबाइल में, TV में ब्रांड होते हैं, राजनीति में मोदी आज तक के भारतीय राजनीतिक इतिहास के सबसे बड़े ब्रांड बने हैं। और मैं ऐसा मानता हूं ये 5 साल का नहीं, आने वाले भारत के 20-25 वर्षों की भारत की राजनीति का निर्णायक चुनाव है, और आने वाले 10-15 साल तक मुझे लगता है विपक्षियों को गीता पाठ करना पड़ेगा, जिससे कि अपना कंट्रोल ना खो बैठे, अनुलोम विलोम करना पड़ेगा, मुद्दों पर उनको लौटना पड़ेगा, नहीं तो उनका सर्वाइवल ही वो खतरे में पड़ जाए। जो सबसे बड़ी बात जो बदली है वो ये कि इस देश में OBC, मुसलमान, दलित, वनवासी और एक किसान, इन वर्गों को दुष्प्रचार के तहत ये डराने की कोशिश की गई, मोदी आएगा तो तुम्हें खा जाएगा, तुम्हें बर्बाद कर देगा। देश के मिडिल क्लास व्यापारी को भी यह भय दिखाया गया, GST या नोटबंदी, और बोला आगे जो इकोनॉमिक पॉलिसीज आ रही है वो तुम्हें ध्वस्त कर देंगे, तुम्हें उभरने नहीं देंगे, लेकिन सारे दुष्प्रचार और दुष्चक्र को, षड्यंत्र को तोड़ा मोदी जी ने, और लोगों में वो ये भरोसा कायम करने में सक्षम हुए कि मेरा एक ही सपना है भारत, और भारत का विकास, भारत के लोगों का विकास, और इसमें कामयाब हुए। तो सबसे बड़ी बात थी कि जो भारत की राजनीति एक
अलग प्रकार के मुकाम पर पहुंच गई थी, जहां पर लोग एक दूसरे पर भरोसा टूट रहा था और नए कबीले खड़े हो गए थे ओबीसी दलित मुसलमानों और किसानों के नाम पर। इस कबीलाई संस्कृति को तोड़ा, वंशवाद को तोड़ा, जातिवाद को तोड़ा और एक भरोसा, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है भरोसा, और उस भरोसे को कायम करके उन्होंने लोगों को ये विश्वास दिलाने में कायम हुए कि आप मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं इस देश को और देशवासियों को सुरक्षित रखूंगा और उनके साथ में किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होने दूंगा। और मुझे विश्वास है जीतने के बाद जिस तरह से मोदी जी को जिन्होंने वोट दिया वो उनके लिए भलाई की योजनाएं चलाएंगे, ऐसे ही जो जिन्होंने कांग्रेस को दिया है चाहे और दूसरे बहुत से तबके जिन्होंने मोदी जी को वोट नहीं दिया उनके लिए भी मोदी काम करेंगे। ये एक बड़ी घटना होने वाली है भारतीय राजनीतिक इतिहास में। जब आप सच्चाई के रास्ते पर होते हैं तो आप रामायण काल से लेकर के भगवान राम के पास कितना सामर्थ्य था, एक वनवासी पीत वस्त्रों में जंगल में रहने वाला, झोपड़ी में रहने वाला था, रावण के पास कितना बड़ा साम्राज्य था और उसकी मजाक उड़ाता था। लेकिन हमारे यहाँ भोज प्रबंध में लिखा गया, कार्य सिद्धि सत्व भवति महताम नोपकरणे, संसाधनों से, समृद्धि से, प्रसिद्धि से, 100 साल की पार्टी होने से आप जो है देश को बरगला नहीं सकते। और अब तो अमेठी में जो शायद कभी राहुल जी और उनकी माँ सोनिया गांधी जी ने कभी नहीं सोचा होगा वो हो रहा। ये तो साउथ से नहीं जीते तो शायद राहुल गांधी का कैरियर ही खत्म हो जाता और कांग्रेस अनाथ हो जाती। तो झूठ बोलने का क्या परिणाम होता है ये राहुल जी ने मुझे लगता अच्छे से देख लिया है, और अब वो भी थोड़ा सा अनुलोम विलोम करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, गीता पाठ करेंगे, तो लगता है कि शायद अपनी पार्टी बचा ले, नहीं तो शायद हो सकता है कांग्रेस में कहीं बगावत ना हो जाए। और मुझे लगता है इनको मध्य प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान संभाल के रखने की ज़रूरत है। जो कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा, माने अब अपने समर्थकों को मीडिया को कहने के लिए कुछ बचा नहीं तो ईवीएम पर दोष मढ़ने से बात नहीं बनेगी। मुझे लगता है इन हारी हुई पार्टियों को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और गीता पाठ करना चाहिए कि जय में पराजय में मान में अपमान में सुख दुखी समय कृत्वा लाभ वाला हो जाया जयो। अब इनको मेहनत करने की ज़रूरत है और अभी भी आत्ममंथन नहीं किया तो फिर सर्वनाश से कोई बचा नहीं सकता। हम चाहते हैं कि लोकतंत्र में मोदी जी और मजबूत बनकर के उभरें, लेकिन साथ में हम विपक्ष को, क्योंकि लोकतंत्र तभी मजबूती से आगे बढ़ता है जब विपक्ष भी बचता है, तो विपक्ष की भूमिका ठीक से निभा पाएं इसके लिए इनको आत्मनिरीक्षण जरूर करना चाहिए और अपना मूल्यांकन करके अब इधर उधर ये बहकी बहकी बातें इनको छोड़ देनी चाहिए और मुद्दों पर बातें करनी चाहिए। इधर उधर जो बातें करते हैं लोगों को बरगलाने की, बांटने की और भारत और भारतीयता से नफरत और घृणा फैलाने की जो कोशिशें की जाती हैं, भगवान नाम आते ही, गाय का नाम आते ही, वंदे मातरम भारत माता, गंगा का नाम आते ही, भारतीय संस्कृति का नाम आते ही जो नफरत करते थे, मुझे लगता है वो सबक सीखेंगे। कभी हार नहीं मानना, और इसमें दोनों का स्वभाव एक ही जैसा है, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, हार कभी नहीं मानी उन्होंने। जीएसटी के ऊपर इनको घेरने की कोशिश की, नोटबंदी पर इनको घेरने की कोशिश की, ओबीसी मुसलमान दलित और किसानों का एक नया मोर्चा बना करके इनको महागठबंधन बना करके घेरने की कोशिश की, माने राफेल के मुद्दे पर घेरने की कोशिश की। कभी हार नहीं मानना और फिर पूरी ताकत से लड़ना, माने सारी ताकत। अब वो ताकत के कितने रूप होते हैं, मीडिया से लेकर के पॉलिटिकल मैनेजमेंट से लेकर के कास्ट मैनेजमेंट से लेकर के इस देश की मूल जो भावना है, ये मूल संस्कृति को लेकर के, तो कभी हार नहीं मानना और किसी भी तरह से कोई कसर छोड़ करके नहीं रखना, माने प्रचंड पुरुषार्थ करना और माने लोगों के साथ कनेक्ट होना, मास कम्युनिकेशन, माने जो लोगों के दिल में है उसको जुबान से कहना और उसको पूरा करने का भरोसा दिलाना कि आप मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं डिलीवर करूंगा, मैं दुश्मनों को, पाकिस्तान को घर में घुस के भी मारूंगा और आपके लिए जो मैं कह रहा हूं वो मैं डिलीवर करूंगा। तो ये 3 चीज़ें मैं देखता हूं बड़े रूप में, बाकी तो उनके दिल में बहुत कुछ सपने हैं भारत माता को लेकर के, अभी तो उनकी फाउंडेशन डली है, आगे वो भवन भी खड़ा करेंगे विकास का। यदि उसको सोशल इंजीनियरिंग बोलें, सोशल मैनेजमेंट बोलें, कास्ट मैनेजमेंट बोलें, किसी भी तरह से उत्तर प्रदेश जैसे प्रांत को संभालना और उसमें भी जो है
एक बहुत बड़ा वोट बैंक था दोनों का मिला करके, मायावती जी और अखिलेश जी का। इस चक्रव्यूह को तोड़ना ये महाभारत के अभिमन्यु के उस चक्रव्यूह भेदन से भी ज्यादा कहीं कठिन और खतरनाक था। और राहुल जिन्होंने जो है चौकीदार चोर है और पता नहीं क्या क्या बकवास की, देश के प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाया, उसको उसके घर में जाकर के घेरना, मुझे लगता है इसमें मोदी जी के साथ अमित शाह जी को बहुत बड़ा श्रेय देना चाहिए, क्योंकि मोदी जहां ब्रांड है तो उसके पीछे जो पूरा मैनेजमेंट है, उसके पीछे जो जीतने की ताकत है, अकेले बंधी है, उसके पीछे पूरे युद्ध का नेतृत्व योद्धा, माने यदि ऐसे तो आप तो लोकतंत्र है, इसमें कोई राजा महारानी नहीं होता है, लेकिन यदि हम जो है आज नरेंद्र मोदी को एक राजा की भूमिका में देखते हैं, तो इनके महायोद्धा और एक महासेनापति के रूप में जो अमित शाह जी ने किया है, और वह माने अप्रतिम है, अविश्वसनीय है। स्वामी जी नमस्कार, आई कैन सी अ बिग स्माइल ऑन योर फेस, आप बहुत ही प्रसन्न लग रहे हैं। नमस्ते, और जो नमस्ते, नंबर भी है वो आपके लिए प्रसन्न करने वाले होंगे, 200-350 से ज्यादा सीटें अभी एनडीए के पास। क्या आपने एक्सपेक्ट किया था, और इस ये जो जनादेश है इसको आप कैसे रीड करते हैं? देखिए, पहले तो रिपब्लिक टीवी तो पहले ही दिन से जो आज हो रहा है इसको दिखाता रहा है, और मैंने देखा इसके लिए अर्णव भाई का जबरदस्त क्रिटिसिज्म भी चलता रहा कि अर्णव तो जो है वो मोदी जी की गोद में जाकर के बैठ गए, लगता है पता नहीं अर्णव जी को क्या खिला दिया, क्या अमृत पिला दिया मोदी जी ने। लेकिन आज पूरा देश ये देख रहा है कि मोदी जी की नीयत, मोदी जी की नीतियां, मोदी जी का नेतृत्व और चरित्र, उसके ऊपर देश ने भरोसा किया है। और ये अर्णव भाई एक बात बड़ी बात मैं कह रहा हूं, ये 5 साल का चुनाव नहीं है, ये भारत के आने वाले 20-25 वर्षों के भारत की राजनीति तय करने वाला चुनाव है। और ये मैंने आज नहीं, ये चुनाव से एक महीने पहले मैंने स्टेटमेंट दिया था कि आप जो अपना वोट देंगे वो ये देख करके देना कि आने वाले 20-25-50 वर्षों में भारत जाएगा किस दिशा में। और मैं आपको एक बात और कहता हूं कि मोदी जी ने इन पिछले 5 वर्षों में देश के विकास की एक आधारशिला तैयार की, और आने वाले इन 5 वर्षों में ऐसा काम करेंगे कि जो अमित शाह जी कहा करते थे कि बीजेपी एक अजेय पार्टी होगी, उस रूप में इसको वो आगे लेकर के चलेंगे, और इस देश को अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया से भी ज्यादा मजबूत बनाने के लिए काम करेंगे। गरीबों के हिस्से लेकर के, मध्यम वर्ग के हिस्से लेकर के, 100 से ज्यादा जो उन्होंने योजनाएं शुरू की थी विकास की, उसको और रफ्तार मिलेगी। और मुझे लगता है आने वाले 10-15 साल तक विपक्षियों को शीर्षासन तो मोदी जी ने ही करा दिया, अब अनुलोम विलोम करना पड़ेगा। देखो अर्णव भाई, एक तो ये देखा कि जो लोग डरे बैठे थे, मीडिया में थे कुछ लोग, धार्मिक क्षेत्र में लोग थे, और आम लोग जिनको डराया गया था, और मीडिया में भी लोगों को जो राष्ट्रवाद की, जो सच्चाई ईमानदारी की राजनीति करते थे, उनको भी कई तरह से कि सरकार हमारी भी आ सकती है, तब देखेंगे तुम्हारे चैनल का क्या होगा, तुम्हारा क्या होगा। खैर, अब वो बातें, अब जो कहते हैं कि एक तरह से जो हार गए ना वो एक स्वर्गीय जैसे हो गए, और हमारे यहाँ स्वर्गियों के बारे में ज़्यादा बात नहीं कही जाती है। लेकिन जो आपने बात पूछी अर्णव भाई, वो मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, इस देश में ओबीसी, दलित, मुस्लिम, आदिवासी, वनवासी और किसान, इनका एक नया गठजोड़ बनाने की कोशिश की गई, उनको भरमाने की कोशिश की गई दुष्प्रचार के तहत कि मोदी आएगा तुमको खा जाएगा, तुमको बर्बाद कर डालेगा, देश के खास करके जो मिडिल क्लास बिजनेसमैन है उसको भी जीएसटी, नोटबंदी और तमाम तरह की आर्थिक नीतियों का एक डर दिखा करके कि ये नीतियां लागू हुई तो तुम बर्बाद हो जाओगे। और लोगों ने हौसला करके कि मोदी हैं तो वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो देश के खिलाफ जाए, क्योंकि उनका अपना तो ना कोई घर है ना परिवार है, उनका एक ही सपना है मेरा भारत आगे रहे, नेशन फर्स्ट। और इस देश में ये सच है कि लोगों में बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ फैलाने की कोशिश की गई, दुष्प्रचार का अंत हुआ, क्योंकि आप जैसे जिम्मेदार पत्रकारों ने पत्रकारों के अभी भी करीब 10% तो वो एक असुर गए इस देश के अंदर, जो हमेशा ही डिस्ट्रैक्टिव सोच रखता है, जो हिंदू से, हिंदुस्तान से, भारत माता से, वंदे मातरम से, भगवा से, गो माता से, भारत की सनातन संस्कृति से, अपने पूर्वजों से नफरत करता है, अब
उन नफरत करने वालों की फितरत कामयाब नहीं हुई, आगे भी कुछ करेंगे, लेकिन मुझे लगता है अब एक राइट डायरेक्शन में सभी दिशाओं से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक तौर पर देश आगे बढ़ेगा और जो सपने पूरे नहीं हो पाए थे 5 साल में वो सपने पूरे होंगे। जिसने भी गुनाह किया है, चाहे वो वाड्रा हैं, चाहे वो सोनिया जी हैं, चाहे राहुल जी हैं, चाहे प्रियंका जी हैं या कोई भी दूसरी राजनीतिक पार्टी वाले हैं, कानून सबके लिए बराबर है। जिसने जो भी गुनाह किया है उसको तो सजा मिलनी चाहिए। और देखो सत्ता पक्ष की भूमिका तो मैंने कहा कि 10-15 साल तक तो कम से कम भूल जाइए, अभी कांग्रेस से लेकर के जितने विपक्षी दल हैं, विपक्ष की भूमिका वो ठीक से निभा पाए, अपनी पार्टी का वजूद बचा पाए, इसके लिए उस पार्टी को अपने नेतृत्व के बारे में दोबारा विचार करना पड़ेगा, अपनी नीतियों के बारे में दोबारा विचार करना पड़ेगा। और जो हिंदुस्तान से वो जो नफरत करते हैं उस डीएनए को कम से कम ट्रीटमेंट करना पड़ेगा उनको।